विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय पांचवें सम्मेलन में भारत और विदेशों से आए सभी प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को देश और विश्व के सभी सिंधी समाज को जोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया, इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू वी मनवानी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश के और विश्व के सभी सिंधी समाज के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। मैं सबको लख लख बधाई देता हूं और भगवान झूलेलाल की कृपा से आज सिंधी समाज भारत में भी और दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर व्यापार में, उद्योग में, सर्विस सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र के अंदर और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी नेतृत्व कर रहा है। सिंधी समाज हमेशा आक्रमण और संघर्ष से लड़ता रहा है। एक लंबे समय तक सिंधी समाज और जहां जहां भी सिंधी समाज के लोग रहते हैं उन पर समय समय पर आक्रमण हुआ, लेकिन सिंधी समाज की न संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मिक और धर्म को कभी कोई नष्ट नहीं कर पाया। विश्व के अंदर भी अलग अलग देशों के अंदर अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्य से, अपनी संस्कृति से, संस्कार से उन्होंने उस देश के अंदर भी कठिन परिस्थितियों में, चुनौतियों में काम किया, लेकिन उस देश में अपना स्थान बनाया। इसी कारण आज भी सिंधी समाज की संस्कृति, संस्कार, धर्म, आध्यात्मिक ये अपनी विशेष पहचान बनाते हैं। हम अगर विरासत की बात करें, इतिहास की बात करें, तो समस्त उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंदर, सीमांत क्षेत्र के अंदर हमारी आजादी के पहले जब भारत का विभाजन हुआ उस समय भी सिंधी समाज पर आक्रमण हुआ, लेकिन अपने पुरुषार्थ के कारण, अपनी कड़ी मेहनत के कारण लाखों परिवार उस विभाजन की त्रासदी के अंदर भारत भी आए और भारत के अलावा अन्य देशों के अंदर भी गए, जहां वो सब कुछ छोड़कर आने के बाद भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ से एक अपना स्थान बनाया। इसीलिए सिंधी समाज को हमेशा पुरुषार्थ समाज कहा जाता है। मैं जिस लोकसभा से आता हूं, जिस विधानसभा में आता हूं, वहां बड़ा मेरा निकट का संबंध सिंधी समाज से है।
मैं सोचता था कि मेरे राजस्थान में मेरे देश के अंदर ही सिंधी समाज के लोग पुरुषार्थ हैं, भारत में पुरुषार्थ करते हैं। सिंधी समाज का व्यक्ति देश के अंदर कहीं भी रहा हो, मैंने हर व्यक्ति को, हर परिवार के व्यक्ति को अपने व्यापार में, उद्योग में, सर्विस में, उस सारे क्षेत्र के अंदर, सारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर प्रेरणा देने का काम किया। मुझे आधे छोटे छोटे काम से, जिस काम की हम आज चर्चा करते हैं, जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम चर्चा करते हैं, वैल्यू एडिशन की हम चर्चा करके दुनिया में माल भेजने की बात करते हैं, वो काम सिंधी समाज बरसों से करता था। कोटा के अंदर घर में चाहे थैली बनाने का काम हो, चाहे मुंगड़ी बनाने का काम हो, चाहे पापड़ बनाने का काम हो, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चे, और उस दुर्गम इलाके के अंदर जहाँ उपभोक्ताओं को किलोमीटर दूर अपनी दैनिक आवश्यकताओं को लेने आना पड़ता था साइकिल पर, बसों पर, उस दुर्गम इलाके के अंदर अपने पुरुषार्थ से वहां पर उन्होंने उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर माल उपलब्ध कराने का लंबा प्रयास किया। लेकिन मुझे जब विश्व के कई देशों के अंदर जाना हुआ तो मुझे लगा केवल भारत में नहीं, मेरे क्षेत्र में नहीं, विश्व के उन देशों के अंदर भी उनका पुरुषार्थ है। मैं सोचता था कि दुबई में ही सिंधी समाज के लोगों ने पुरुषार्थ किया है, और दुबई के अंदर भी दुबई के शासकों ने सबसे पहले वहां का सिटीजनशिप दी तो सिंधी समाज के व्यक्ति को। जब मेरे से उनकी चर्चा हुई तो उन्होंने अपने जीवन के किस्से बताया कि किस तरीके से जब वहां आए थे, नौकरी करने आए थे, छोटी दुकान पर काम करने आए थे, पीने का पानी नहीं हुआ करता था, पानी में कीड़े निकले करते थे, और बहुत कड़ी मेहनत की, और कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने वहां पर अपना स्थान बनाया। लेकिन मैं अभी पिछली बार जब सुरीनाम गया तो सुरीनाम में लोग कहते थे कि भारत के अंदर जो उत्तर पूर्व के लोग गन्ना काटने मजदूर के रूप में ले गए थे, तो हमारे मन में ये विचार था कि वहां पर उन लोगों को गन्ना काटने के लिए ले गए थे, मजदूरी करते होंगे, काम करते होंगे। लेकिन वहां भी उन्होंने, उत्तर पूर्व के लोगों ने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। लेकिन विशेष बात मैंने वहां पर देखी कि जहां मैं ठहरा हुआ था उसके वहां पर एक बड़ा मॉल था, कृपलानी मॉल। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने मेरे एम्बेसडर से कहा कि यहाँ भी सिंधी समाज का व्यक्ति रहते हैं क्या? उन्हें कहा कि इस सुरीनाम का सबसे बड़ा व्यक्ति ही यहाँ पर कृपलानी है। तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो उन्हें कहा शाम को वो डिनर में आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि चाहे मेक्सिको गया हूँ, चाहे अमेरिका गया हूँ, दूर दराज के छोटे छोटे देशों के अंदर भी बहुत पुरुषार्थ, बहुत कठिन मेहनत करके, जब मेक्सिको के अंदर हम जिस होटल में खाना खा रहे थे वो इंदौर के रहने वाले थे, सिंगापुर से वह मेक्सिको अपने सूट का नाप लेने, सूट सीने जाया करते थे, धीरे धीरे मेक्सिको के अंदर उन्होंने अपने काम का विस्तार किया, होटल खुलाया, रेस्टोरेंट खुलाया, रियल इस्टेट का काम किया। आज मैंने कहा कि क्या हालत है, उन्होंने कहा मैं 100 करोड़ रुपए के बंगले में आ रहता हूँ। तो दुनिया के अंदर मेरे शहर में राजू जी को भी कल्पना भी नहीं होगी कि सारे विश्व के अंदर अगर सिंधी समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दें, उनकी जानकारी शायद
मिलना बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे देशों के अंदर मैंने पूछा कि कभी आपका हिंदुस्तान से आना जाना रहता है, उन्हें कहा अभी हिंदुस्तान से हम जुड़े रहते हैं, घर में अभी भी सिंधी भाषा बोलते हैं। अभी कुछ परिवारों में सिंधी भाषा कुछ लुप्त होती जा रही है, जबकि आज भी अधिकतम परिवारों के अंदर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना धर्म सब लोगों ने बचा के रखा है। एक ऐसा समाज जो शांति प्रिय है, जिन्होंने जीवन में कभी किसी से संघर्ष नहीं किया, लेकिन पूरा जीवन संघर्ष और चुनौतियों से लड़े और अपना स्थान बनाया। आप कभी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग कहीं मिल जाएंगे। कुछ आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर होगा, कुछ दो टाइम की रोटी मांग कर खा रहा होगा, लेकिन सिंधी समाज का व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा। हमेशा पुरुषार्थ करता मिलेगा, काम करता मिलेगा, अपनी कड़ी मेहनत करता मिलेगा। एक ऐसे संस्कार, एक ऐसी सामर्थ्य शक्ति है, वरुण देवता भगवान झूलेलाल ने ऐसी कृपा दी है कि जहां भी जिस काम में करता है, कम मार्जिन में, कम से कम मार्जिन में काम कर एक नई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की दिशा देने का काम किया। तो सिंधी समाज ने काम किया इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज में कम लागत ज्यादा उत्पादन की दिशा देने का काम किया तो सिंधी समाज ने किया। सेवा के अंदर, इस भारत के अंदर, मैं मेरे यहां कह सकता हूं, अन्न भंडार कर भूखे को भोजन सबसे शुरुआत की तो सिंधी समाज ने की, प्याऊ लगाने काम किया तो सिंधी समाज ने किया, विद्यालय खोलने का काम किया, धर्मशालाएं बनाई, अस्पताल बनाए, जो भी पुरुषार्थ से धन कमाया, उस पुरुषार्थ से कमाए धन को समाज को समर्पित कर दिया। एक ऐसा समाज जो अत्यधिक धार्मिक है और जिसने अपने जीवन के अंदर अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए पैसे को समाज को समर्पण किया, समाज की सेवा के लिए किया। इसलिए सेवा और समर्पण और आध्यात्मिक धर्म इस समाज के संस्कार और संस्कृति में है, और इसीलिए इस समाज को पुरुषार्थ समाज कहा जाता है। मैं इस मौके पर इस संस्था के संस्थापक श्री गोपाल सजनानी जी को, भरत जी को, लक्ष्मीचंद जी को, अनूप जी को, जगदीश जी को, मोहन जी को, हमारे बीच में बैठे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी, आदेश जी, हमारे मित्र सीचंद कृपलानी जी, अब कृपलानी जी को देख लो आप, कितनी कम उम्र के अंदर उन्होंने अपने छात्र जीवन से, सामाजिक जीवन से, राजनीति जीवन की शुरुआत की। वहाँ 100 वोट सिंधी समाज के नहीं है, लेकिन एक लोकप्रिय नेता के रूप में अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से काम किया। ज्ञानदेव जी आहूजा साहब बैठे हैं, जिन्होंने हमेशा धर्म संस्कृति के लिए संघर्ष किया, उस क्षेत्र के अंदर शायद जिंदगी भर संघर्ष करते रहे और संघर्ष से अपना राजनीति जीवन बनाया। ऐसे कई उदाहरण हैं, हमारे राम भाटिया जी बैठे हैं, दोनों भाई मिलकर किस तरीके से, एक दुनिया के अंदर में कितने लोगों के एग्जाम दूं, सूरत चले जाए तो कोटा से चला व्यक्ति सूरत में काम करने लगा, बॉम्बे में काम करने लगा, दुबई में काम करने लगा, कितने उदाहरण हैं। और किन कठिन परिस्थितियों में काम किया, उससे इस समाज को तो प्रेरणा मिलती है, अन्य समाजों को भी प्रेरणा मिलती है
कि अपने पुरुषार्थ से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी क्षमता से, नए इनोवेशन से, नए रिसर्च से, उद्योग व्यापार के नए सेक्टर के अंदर किस तरीके से प्रतिस्पर्धा में काम कर कर। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था जब भी किराने की दुकान पर बैठता था, उस समय प्रतिस्पर्धा के अंदर अगर कोई काम करता था, सिंधी समाज का काम करता था, एक बोरी के अंदर केवल बोरी की बचत पे शक्कर में कंपटीशन पे काम कर लेता था। तो प्रतिस्पर्धा अगर किसी ने सिखाई व्यापार के अंदर, और प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को लाभ हुआ, उसको सस्ती दर पर माल मिलने लगा, लेकिन ज्यादा माल बेचना, कम लाभ कमाना, ये कई चीजें मैं सिंधी समाज के जीवन के कितने उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पला पड़ा बड़ा सब सिंधी समाज के लोगों के बीच में हुआ हूँ। मैंने उनके कार्यों को देखा है, उनके संघर्षों को देखा है, उनके अनुभवों को देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सिंधी समाज एक पुरुषार्थ समाज है, अत्यधिक धार्मिक समाज है। सामाजिक सेवा के लिए जब भी देश में कोई आपदा संकट आता है तो सबसे पहले सिंधी समाज का व्यक्ति रहता है। मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय इस विशेष सिंधी सेवा संगम में आए देश भर के और विश्व के सभी प्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करता हूं। और मैं राजू जी को कहूंगा कि अभी आपको पता नहीं कि दुनिया के अंदर कहां-कहां सिंधी समाज के लोग रहते हैं, एक बार और प्रयास करना चाहिए कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। जितना हम इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लाएंगे, उतने ही भारत के आर्थिक तंत्र को और सशक्त मजबूत करेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोग भारत में आएंगे। आज भारत दुनिया का सबसे बेस्ट आर्थिक डेस्टिनेशन हो चुका है। एक प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की बनी है और दुनिया भारत की ओर देख रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये समय भारत के उदय का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जब एक कुशल नेतृत्व मिला है, एक सक्षम नेतृत्व मिला है, नई सोच का नेतृत्व मिला है और दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को लेकर चलने वाला नेतृत्व मिला है, इस मौके पर हमें देश भर के सिंधी समाज को यहाँ पर लाकर व्यापार उद्योग अन अपॉर्चुनिटी का मौका देना चाहिए। कभी भी मेरे लायक कोई भी किसी तरह का काम हो, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।